हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। मैं विकास द्विवेदी आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। और ये आज लेक्चर नंबर 2 है टाइम एंड वर्क के ऊपर। इसमें हम एक दूसरे प्रकार के टाइप की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ये भी है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल को देखा जाता है। इससे पहले आज जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल जो वीडियो अपलोड की गई थी इससे पहले वाली वीडियो, उसको आप एक बार देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं किस तरह के सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डेज बी हेल्प ए इन द वर्क, देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क वुड बी फिनिश्ड। इंग्लिश में लिखा जरूर है लेकिन मैं हिंदी में भी समझाता हूँ आपको कि ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 12 और 15 दिन लेते हैं। ए काम को शुरू करता है और 3 दिन बाद बी ए की काम में मदद करने आ जाता है, तो इस प्रकार काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि काम में अगर डेज दिए हुए हैं कि कौन कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो उस दिनों को एक तरफ लिखकर उनका आप एलसीएम ले लो। तो ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में, और बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। 12 और 15 का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। जो भी ये एलसीएम आता है इसे हम टोटल वर्क मानते हैं। तो लेट द वर्क, टोटल वर्क बी 60 यूनिट्स, मतलब टोटल काम कितना है, 60 यूनिट्स। तो काम सवाल में जो लैंग्वेज है कुछ बदल गई। सवाल में दिया गया था कि एक किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में काम पूरा कर रहा है, पूरा काम हमने कितना माना है, 60 यूनिट। तो अगर 12 दिन में 60 यूनिट करता है ए, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 बटे में 12, 5 यूनिट। तो एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट। बी 15 दिन में पूरा काम करता है और पूरा काम कितना है, 60 यूनिट। तो 15 दिन में अगर 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60 बटे में 15, मतलब 4 यूनिट। एक दिन में किया गया काम क्या होता है, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता या इफिशेंसी। तो ए की इफिशेंसी आ गई 5 यूनिट, बी की इफिशेंसी आ गई 4 यूनिट। कल मैंने आपको समझाया था कि इफिशेंसी आने का मतलब है कि क्वेश्चन अब हल हो चुका है, केवल कुछ स्टेप देकर हम इस सवाल का उत्तर ला सकते हैं। तो इतना सवाल में जो डाटा था इतना कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं, उसके आधार पर मैंने टोटल वर्क निकाल लिया और यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लिया। अब हमें एक सिचुएशन दे रहा है, कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है, इसका मतलब ए काम पर अकेले लगता है और 3 दिन बाद बी उसकी काम में मदद करता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर बी 3 दिन बाद उसकी मदद कर रहा है, इसका मतलब कि शुरुआत के 3 दिनों तक ए अकेले काम किया होगा। तो आप मुझे बताइए कि ए एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट। अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 3 दिन में कितना किया होगा, 5 × 3 = 15 यूनिट्स। तो ए ने जब 15 यूनिट कर लिया तब बी आ गया। अब दोनों मिलकर काम पर लगे हुए हैं क्योंकि बी अब काम में एक ही मदद कर रहा है, तो बी को पता होना चाहिए कि काम कितना बचा है। तो रिमेनिंग, ये आर का मतलब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, टोटल 60 था, 15 ए ने अकेले निपटा दिया है तो बचा कितना, 45। इसका मतलब ये जो 45 यूनिट काम है इसे अब कौन करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कल मैंने आपको बताया था कि टाइम किस बात पे डिपेंड करता है, टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि काम कितना है। यहाँ पर शेष काम को इन लोग पूरा कर रहे हैं, शेष काम कितना है, 45, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, दोनों मिलकर अब एक दिन में कितना करेंगे, 5 × 4 = 9, तो 9 × 5 = 45। तो अब 5 दिन और लगेंगे, काम पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आंसर आ गया। सवाल में अगर ये पूछा होता कि अब काम को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा तो आंसर होता 5 दिन, लेकिन सवाल में कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज द वर्क वुड बी फिनिश, कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो आप बता सकते हैं कि ए ने 3 दिन काम किया था और ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया था, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम
ए ने किया भाई 3 दिन अकेले, और ए और बी ने किया 5 दिन, इसका मतलब टोटल कितना 8 दिन लगे हैं और काम पूरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, है ना। चलिए इसमें जो अच्छे सवाल होते हैं मैं आपको सब करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये 9 आया है ये ए और बी की इफिशेंसी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज, देन इन हाउ मेनी देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फिनिश द वर्क। आपको मैं हिंदी में बताता हूँ, इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं। वे काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो अब काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देन टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फिनिश द वर्क। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है, मतलब काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो वही है कि पहले ए कितने दिन में कर रहा था, 6, बी कितने दिन में कर रहा था, 12। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 6 और 12 का एलसीएम 12, तो ये जो 12 यूनिट आया ये टोटल वर्क आ गया। अगर 6 दिन में 12 यूनिट ए करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। बी 12 दिन में 12 यूनिट करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब दे बिगेन द वर्क टुगेदर, मतलब काम को दोनों ने एक साथ शुरू किया। अगर एक साथ शुरू किया होगा तो ए और बी दोनों काम पे उतरे होंगे, दोनों काम पे लगे होंगे, तो 1 दिन में कितना काम हो रहा होगा, ए अपना पार्ट कर रहा होगा 2 यूनिट और बी अपना पार्ट कर रहा होगा 1 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट। इसका मतलब दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते होंगे, 3 यूनिट। दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका ये मतलब है कि दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका ये भी मतलब है कि 3 दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया होगा। तो 1 दिन में अगर 3 यूनिट होता है तो 3 दिन में कितना होगा, 3 × 3 मतलब 9 यूनिट। अब 9 यूनिट काम हो गया है, अब ए कह रहा है हम जा रहे हैं बाय। अगर ए काम को छोड़कर चला गया है तो काम जो बचा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन काम को पूरा करेगा, वो काम कौन करेगा, बी। तो बी को पता होना चाहिए कि काम कितना बचा है, तो इसको हम बताएंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना है। टोटल कितना था, 12, हुआ कितना, 9, बचा कितना, 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट को बी पूरा करेगा, तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 3 यूनिट, और बी फिनिश कर रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो बी को कितना लग जाएगा, 3 दिन। अगर सवाल में यह कहा गया होता कि टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो हमारा उत्तर क्या होता, 3 दिन। अगर सवाल में कहता कि बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा उत्तर होता 3। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फिनिश द वर्क, काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, ए और बी ने मिलकर किया 3 दिन, और फिर ए छोड़कर चला गया था, बी ने कितना किया, 3 दिन। इसका मतलब काम को पूरा होने में कितना लगा, 6 दिन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा लास्ट में वो पूछ क्या रहा है, शेष काम के बारे में बात कर रहा है कि पूरा काम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान सवाल थे, अब कुछ अच्छा क्वेश्चन हम लेके आपके सामने आते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 20
एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट देन आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट देन इन हाउ मैनी डेज देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। चलिए बताइए, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। वे काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है, उसके 2 दिनों के बाद बी काम को छोड़ देता है, तो इस प्रकार काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? बताइए। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं कि ए बी और सी किसी काम को पूरा करने में 10, 20 और 30 दिन क्रमशः लेते हैं। वे काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है, उसके 2 दिन के बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो इस प्रकार काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ध्यान देंगे, पहले तो आपको वही करना है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया? 60 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क। अगर ए 10 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना? 6 यूनिट। बी 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट। अगर सी 30 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में सिचुएशन दिया हुआ है कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। अगर एक साथ शुरू किया तो तीनों काम पर उतरे होंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 6, 3, 9, 2, 11। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जा रहा है। इसका मतलब तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किए होंगे। एक दिन में 11 यूनिट होता है तो 2 दिन में कितना होगा? 11 × 2 = 22, 22 यूनिट। अब यहां से ए छोड़कर चला जा रहा है ना? अगर ए छोड़कर काम को चला जा रहा है तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बी और सी की। तो अब बी और सी काम पर उतरेंगे और बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? बी करता है 3, सी करता है 2, 3, 2, 5 यूनिट। अब बी और सी कर रहे हैं लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट, मतलब अब 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 5 × 2 = 10 यूनिट। अब 2 दिन हो गए तो बी भी काम छोड़कर चला जाता है, तो अब कौन बचा? सी बचा। तो अब काम जो बचा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सी की, कि सी उस काम को पूरा करेगा। तो यहां से पहले मैं रिमेनिंग वर्क निकाल लेता हूं, कितना बचा? टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से 22 तीनों ने मिलकर कर लिया था और 10 बी और सी ने मिलकर कर लिया था, तो 60 में अगर 32 हो गया तो बचा कितना? 28 यूनिट, है ना? तो अब 28 यूनिट काम बचा हुआ है और काम पर बचा कौन है? सी। तो अब सी को शेष काम पूरा करने में लगा समय कितना लगेगा? भाई 28 यूनिट बचा हुआ है, सी करता है एक दिन में 2, तो कितना लेगा? 14 दिन, है ना? काम पूरा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रकार काम को पूरा करने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम ए बी सी कितने दिन किए थे? 2 दिन। बी और सी कितना किए थे? 2 दिन। और 14 दिन कौन किया था? सी अकेला।
तो 14 चार 18 दिन, इस प्रकार 18 दिन लगे हैं और काम पूरा हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखिएगा। आइए थोड़े सवाल में कुछ चेंजेस करते हैं और कुछ बढ़िया सवाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। वे काम को एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और उसके 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को सी अब 2 दिन में पूरा करता है। तो इस प्रकार कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया था। अभी हमने जो सवाल किया था वो बिल्कुल सीधा सवाल था, उसी सवाल में कुछ चेंजेस करके एक नया सवाल बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। आप थोड़ा सा वक्त दीजिए और खुद करिए। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, जो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 4 डेज ऑफ ए बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क इज नाउ डन बाई सी इन 2 डेज। देन आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक, तो बस कुछ करना नहीं है, कई तरीकों से सवाल को हम कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो सभी टाइम को एक तरफ लिख लो। ए बी सी, ए कितने दिन में करता है 15, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 यूनिट, ये आ गया टोटल वर्क।
ए अगर 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। बी 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3 यूनिट। और सी 30 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट। इसका मतलब ए बी और सी अगर काम को एक साथ शुरू करें तो एक दिन में कितना करेंगे? 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट। इस तरह से चलिए आइए ध्यान देंगे, ठीक है। तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट, है ना। आप कितने दिन बाद काम छोड़कर ए जा रहा है, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं कि एक्स दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। वैसे ही बताऊंगा, पहले ध्यान दें, जो आसान है पहले आप वो अटेम्प्ट करें। ए बी सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो भाई ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा ये हमें नहीं पता है, तो हम इन तीनों को मिलाकर कितने दिन काम करेंगे ये हमें नहीं पता। हमें यही अगर पता चल जाए कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, तो वही क्या होगा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। क्योंकि मान लो जैसे ए बी और सी तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किए, इसका मतलब ए ने भी 2 दिन काम किया होगा तभी ए काम छोड़कर चला जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता, यही हमें बताना है। कह रहा है कि उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब जब ए जा रहा होगा तो एक जाने के बाद कौन बच रहा होगा? बी और सी। तो बी और सी काम करते होंगे एक दिन में कितना करते थे? बी और सी 3, 2, 5 यूनिट। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे थे तो 4 दिन बाद बी छोड़ के गया है, तो मतलब 4 दिन किए होंगे, 4 दिन में कितना किए होंगे? 5, 4 जा 20 यूनिट। फिर बी छोड़कर चला जाता होगा। जब बी छोड़कर चला जा रहा था तो जो शेष काम है उसको सी अब कितने दिन में पूरा कर रहा है? 2 दिन में। तो सी 2 दिन में कितना करेगा? सी 2 दिन में करेगा, एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 2 दिन में 4 यूनिट। तो आप मुझे बताओ कि आपने सी को 2 दिन काम करवा दिया, 4 यूनिट। जब ए छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद बी और सी कितने दिन किए काम? 4 दिन, 20 यूनिट आपने ये कर लिया। इसका मतलब 20 हो गया 4, टोटल कितना हो गया? 24 यूनिट काम, और था कितना? 60 यूनिट काम। तो रिमेनिंग कितना बचा? तो रिमेनिंग बचा 60 में 24 हो गया है तो बचा कितना? 36 यूनिट। 20 4 24 हो गया, बचा कितना? 36। ये 36 यूनिट कर कौन रहा होगा? ए बी और सी मिलकर एक दिन में अगर 9 यूनिट करते हैं तो 36 यूनिट कब के होंगे? 4 गुना काम, तो 4 गुना समय लगा होगा, तो कितने दिन में? 4 दिन में। तो आप मुझे बताइए कि ए बी और सी अगर 4 दिन तक लगातार काम किए होंगे, 36 यूनिट काम किए होंगे, और उसके बाद ए छोड़कर जा रहा होगा, तो इसका मतलब ए ने भी कितना काम किया होगा? 4 दिन तक। इसका मतलब ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? तो उसका आंसर होगा 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल था। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको एक्स मान के कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान देंगे। चलिए यहां पर एक और तरीका देख लेते हैं कि माना ए एक्स दिन बाद काम छोड़कर जाता है ना। आप मुझे बताओ तीनों ने मिलकर काम को शुरुआत किया था, तो ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं? तीनों मिलकर 4, 3, 7, 2, 9। तो अगर ए एक्स दिन बाद छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितना एक्स दिन तक काम कर रहे होंगे। तो एक दिन में अगर 9 यूनिट होता है तो एक्स दिन में कितना होगा? 9x यूनिट काम, है ना भाई। एक दिन में 9 यूनिट, तो 2 दिन में 2 × 9 = 18, 3 दिन में 3 × 9 = 27, तो एक्स दिन में कितना? 9 × x। फिर उसके बाद इसके बाद आप यही करोगे, है ना, इसके बाद आप यही करोगे कि भाई अगर ए बी सी एक्स दिन काम किए, 9x यूनिट काम हो गया, तो उसके बाद ए चला जाता है तो बचा कौन? बी और सी। तो अब बी और सी 4 दिन तक काम करेंगे, 20 यूनिट होगा, फिर बी छोड़कर चला जाता है काम को, जितना काम बचेगा सी 2 दिन में पूरा कर लेगा 4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार 9x किया तीनों ने, बी और सी ने मिलकर 20 किया, और सी ने अकेले 4 यूनिट किया, और
काम खत्म हो गया, तो ये टोटल काम है, और टोटल काम कितना खत्म हुआ था 60 यूनिट। तो 9x बराबर 20 चार 24, 60 में 24 घट जाए कितना आएगा 36, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो x मान के आप इसको इस तरह से रूप दे सकते थे। तो यहां से आपने जाना कि x आ गया 4, और x क्या था, ए बी सी ने मिलकर कितने दिन काम किए, तो ए बी सी ने मिलकर 4 दिन किए, 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, और भी तरीके हैं। ठीक है, देखिए और भी तरीके हैं, लेकिन ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, इनको अगर आप समझते हैं तो आप और भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब इसी टाइप नंबर 2 में बी टाइप आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप 2B। किस तरह के सवाल हैं हम देखते हैं। आइए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 और 21 दिन में पूरा करते हैं, वे काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 और 21 दिन में पूरा करते हैं, वे काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर, पहले ए काम काम ए छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप भी 5 से 6 सेकंड ले लीजिए सवाल करने में और इसका मुझे आंसर बताइए। चलिए, इस सवाल को भी करने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग अलग। मैं आपको कोशिश करता हूं कि सारे तरीके एक साथ बताने की कोशिश करूं, हो सकता है कि आपको कोई एक तरीका बहुत अच्छा लगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो अगर हमारे पास 2 टाइम है तो हम एलसीएम लेके एक ग्राफ बना लेते हैं जो कि अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ए काम को पूरा करता है 14 दिन में, बी करता है 21 दिन में। तो 14 और 21 इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 42 यूनिट। तो 14 दिन में ए अगर 42 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। अगर बी 21 दिन में 42 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट, है ना। आप मुझे बताइए कि वो काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं, मतलब ए और बी काम पर लग गए एक दिन कर रहे हैं, एक दिन में कितना 3, 2, 5 यूनिट, इतना आपके पास डाटा अवेलेबल है। अब सवाल कह रहा है कि वो काम को तो एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज दी गई है, आप मुझे बताइए काम कब पूरा हो रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें बस ये पता है कि ए और बी मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना होगा 5 यूनिट। अगर ये पता ही नहीं कि काम पूरा कब हो रहा है तो मैं उसके 3 दिन पहले घटा के ए के बारे में क्या बता सकता हूं, आप बताइए। कुछ बता सकते हैं? कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अगर आप मानते हैं कि माना ए एक्स दिन काम करता है, पहला तरीका,
माना ए एक्स दिन काम करता है, तो अगर ए एक्स दिन काम करता है इसका मतलब ए और बी दोनों ने काम को साथ साथ शुरू किया था। तो अगर ए और बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो एक्स दिन में कितना करेंगे, ये एक्स दिन में कितना करेंगे, 5 गुणे एक्स यूनिट, इतना काम। अब ए और बी अगर एक्स दिन काम करते हैं और अब ए चला जाता है, अब ए चला गया ए बाय, तो अब कौन बचे काम पे, बी। और सवाल में कहा गया है कि काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर जाता है, इसका मतलब ए जब भी छोड़कर जा रहा होगा उसके 3 दिन बाद बी काम को पूरा कर लेगा। तो अब बी 3 दिन काम करेगा तो बी का 3 दिन का काम कितना होगा, का 3 दिन का काम कितना, एक दिन में करता है 2 यूनिट, 3 दिन में कितना किया होगा, 6 यूनिट। तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर किया 5 यूनिट, 5 एक्स यूनिट। तो प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, दोनों ने मिलकर किया 5 एक्स और फिर बी ने अकेले किया 6 और काम पूरा हो गया, काम कितना हुआ होगा 42। तो आप मुझे बताइए 5 एक्स बराबर 42 में 6 गए 36, तो एक्स का मान कितना आ गया 36 बटे में 5, इसका मतलब 7 सही 1 बटे 5 दिन, ये एक्स का मान आया 7 सही 1 बटे 5। और एक्स क्या था, ए और बी ने मिलकर काम किया। तो आपसे पूछा काम को पूरा होने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 7 and 1/5 दोनों में मिलकर किया और लास्ट में बी ने 3 दिन किया था, तो 7 × 3 = 10 सही 1/5। इस तरह से हम कह सकते हैं काम को पूरा होने में 10 सही 1/5 दिन लगे होंगे। एक तरीका तो ये था, है ना, बहुत अलग अलग तरीकों से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दूसरा देखिए, वो भी लाजवाब है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अधिक। देखिए इस सवाल में अगर मैं ये पूछूं कि 42 यूनिट काम पूरा कर रहे हैं, है ना, ये भी है और बहुत अच्छा तरीका है। 42 यूनिट काम कब पूरा हो रहा है, जब ए और बी दोनों काम को शुरू कर रहे हैं और काम जब भी पूरा हो रहा है उसके 3 दिन पहले ए काम को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार काम को पूरा होने में जो समय लगा उसमें कितना काम हुआ होगा, 42 यूनिट। आप मुझे बताइए, आप बताइए कि बी अगर ए काम छोड़कर 3 दिन पहले ना जाता तो काम 3 दिन से पहले में ही खत्म हो जाता, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे, है ना, ए ने अगर गुरुवार को काम करके बाय कहा होगा तो यहां पर बी किया होगा, यहां पर बी और यहां पर बी, काम खत्म कहां हुआ होगा, संडे को, है ना। अगर ए बाय ना कहता और ए भी काम पे लगा होता तो हो सकता काम यहीं खत्म हो जाता, हो सकता यहीं हो जाता, मतलब संडे तक ना पहुंच पाता, ठीक है, संडे से पहले ही काम पूरा हो गया होता। एक तो ये है सिचुएशन। एक अगर ए को मैं तीनों दिन काम करा देता, ए को भी अगर मैं तीनों दिन काम करा देता तो काम संडे को ही पूरा होता, लेकिन उस स्थिति में काम ज्यादा हो जाता, 42 यूनिट से ज्यादा हो जाता। कितना ज्यादा हो जाता, इतना ज्यादा होता जितना ए ने 3 दिन में किया होगा। तो ए ने 3 दिन में कितना किया होगा, 3 × 9, तो 42 में 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 51। और सबसे अच्छी बात है कि ए और बी दोनों ने काम को शुरू किया था और लास्ट तक साथ साथ रहते। अगर दोनों मिलकर 51 यूनिट कर रहे हैं और एक दिन में कितना करते हैं 5, तो जवाब कितना आता, 10 सही 1/5 दिन, और यही सवाल का सही उत्तर होता, ठीक है। अगर किसी को ये बाउंस हो गया हो और समझ के नहीं आया हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए एक सवाल और मैं देता हूं, उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, अगर आप कहेंगे तो और तरीके भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आइए
चलिए देखिए, ए बी और सी किसी काम को, यहां लिख लीजिए काम, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में पूरा करते हैं। वे काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन बी और सी क्रमशः काम पूरा होने के 8 दिन और 6 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार काम को पूरा होने में कितना समय लगा, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। तरीके बहुत हैं, वो जैसा हमने डिस्कस किया था एक्स वाला, वो भी एक तरीका है, और भी कई तरीके हैं, वो आप लगाइएगा जो सबसे सुटेबल है। और आप अगर सोच सकते हैं तो छोटा वाला ही है, उसको देख लेते हैं। पहले तो आपको चार्ट बनाना होगा, ए बी और सी, ए कितना दिन लेता है 16, बी कितना लेता है 32 और सी कितना लेता है 48। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर जो एलसीएम नहीं ले पा रहा है वो ध्यान दे कि मैंने आपको एलसीएम पढ़ा दिया है। 16 का मतलब क्या है, 16 × 1, 32 का मतलब क्या है 16 × 2, और 48 का मतलब क्या है 16 × 48। एलसीएम यहाँ लेने का मतलब है कि यहाँ पर मैं एक ऐसी संख्या लेना चाहता हूँ काम के रूप में जो 16 से भी कट जाए, 32 से भी कट जाए और 48 से भी कट जाए, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, वह छोटी संख्या जो इससे 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 कट जाए। अगर आप छोटी संख्या नहीं देख पा रहे हो तो कोई भी संख्या रख सकते हो, लेकिन एलसीएम बताता है कि जो भी एलसीएम आएगा उससे छोटी संख्या ऐसी कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 16 रख दूँ तो 16 16 16 कट जाएगा। अब यहाँ एक बचा, यहाँ दो बचा, यहाँ तीन बचा, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 2 और 3 से कट जाए, तो आप कहोगे सर जी 6। तो अगर आप एलसीएम 16 × 6 ले लोगे तो 16 × 6 को जब 16 × 1 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 16 × 6 को 16 × 2 से भाग दोगे कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 6 से 2 कट जाएगा, 6 को 2 काट देगा। 16 × 6 को अगर 16 × 3 से भाग दोगे तो 16 से 16 कट जाएगा, 6 को 3 काट देगा। तो ये आ गया टोटल वर्क 16 × 96। आप मुझे बताइए कि अगर 16 दिन में ए इतना काम करता तो एक दिन में इतना बटे में 16, 16 से 16 कट जाएगा, आएगा कितना 6 यूनिट। बी 32 दिन में इतना काम करता है, 32 को आपने 16 × 2 लिखा है तो इतना काम करता है एक दिन में इतना बटे में इतना, 16 से 16 कट जाएगा, 6 / 2 कितना 3, यह आ जाएगा 3 यूनिट। यह आ जाएगा 16 × 6 / 16 × 3, 16 से 16 कट जाएगा, 6 / 3 कितना 2 यूनिट। तो बड़ी आसानी से समय के अंदर आपने इतना कर लिया, ठीक है। तो ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, सी एक दिन में 2 यूनिट करता है। सिलेक्शन के लिए आपको इतनी मेहनत करनी होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आती तो वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताइए 16 × 96 यूनिट टोटल वर्क है, 96 यूनिट हो रहा है कितने समय में, यही आपको बताना है। आप मुझे बताइए बी कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है, बी 8 दिन पहले छोड़कर चला जाता है और सी 6 दिन पहले। है ना, अगर बी 8 दिन पहले ना जाता तो बी का 8 दिन का काम निकल जाता, बी का 8 दिन का काम कितना है भाई, बी एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 8 दिन में कितना करेगा 24, और सी 6 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अगर सी 6 दिन पहले ना जाता तो एक दिन में 2 करता है, 6 दिन में कितना करता 12, इसका 6 × 4 = 10 = 12, 9 × 2 = 11 = 12 और 1 = 13, फिर काम कितना होता 132 होता। लेकिन अच्छी बात क्या है, ए बी और सी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया था और एक दिन में कितना करते हैं ये 6 × 9 = 2 = 11 यूनिट, एक दिन में 11 यूनिट करते हैं। अगर तीनों ने काम मतलब एक साथ शुरू किया था और बी सी क्रमशः 8 दिन पहले 6 दिन पहले ना छोड़ते
तब भी काम वहीं पर जाकर खत्म हुआ था, जहां जहां पर काम खत्म हुआ था वहीं पे जाके खत्म होता, लेकिन उस कंडीशन में काम 96 से ज्यादा होता। कितना ज्यादा होता? जितना बी ने 8 दिन में किया और सी ने 6 दिन में किया, इतना, मतलब 132 हो जाता। और तीनों ने मिलकर कितना किया था एक दिन में? 11। काट देते आंसर कितना जाता? 12 दिन। यही सवाल का सही जवाब था। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। तो अच्छे सवाल थे, रेलवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी में दिख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। और कोई डाउट्स हो और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, थैंक यू।